यदि तूफानी जोर नहीं तो उठती हुई जवानी क्या, वो जवान भी क्या जिसमें उठते हुए सागर का ज्वार नहीं, बलवेदी पर चढ़ने को जो रहता है तैयार नहीं, और वही वीर है मर मिटने में पहला नाम लिखा दे जो, और वही धीर है बलवेदी पर अपना शीश चढ़ा दे जो। नमस्कार मित्रों, परम आदरणीय डॉक्टर पिल्लई सर, डॉक्टर घोष सर, एनएमओ भुज के प्रेसिडेंट डॉक्टर कपाल सिंह जाडेजा सर, सेक्रेटरी डॉक्टर समीर भाई, भीष्म पितामह एनएमओ भुज, ऐसे मेरे परम मित्र डॉक्टर सुरेश रोडानी साहब, और भुज शहर के कई सारे ऐसे अग्रणी चिकित्सक गण जिनसे मिलने को ये दिल बेताब रहता है, ऐसे ही मेरे परम मित्र और सज्जन मित्र डॉक्टर मुकेश चंदे आज हमारे मध्य है, डॉक्टर उदय गणात्रा, डॉक्टर संजय भाई, न जाने कितने लोग, डॉक्टर रोडानी मैडम, न जाने कितने लोग हैं कि आप लोगों के साथ उनसे मिलकर मैं खुद उत्साहित हो रहा हूं। अब मित्र एक बात तो है, यूजुअली क्या होता था कि प्रत्येक वर्ष जब आप लोगों का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता था उसके बाद एक छोटा सा कार्यक्रम होता था जिसकी परिकल्पना नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन में की थी, वह था नूतन छात्र अभिनंदन। आप लोग बहुत किस्मत वाले हैं, आपने वो दिन नहीं देखे जब हम अपने जमाने में, मैं हूं बैच 86 का, हम अपने जमाने में एक तो पीएमपी पास कर लेते थे हम, मैं उन मध्य प्रदेश से आता हूं तो हमारे यहां प्री मेडिकल टेस्ट तब हुआ करता था जब गुजरात के लोगों ने सोचा भी नहीं था। तो जब हम पीएमपी पास कर लेते थे तो अपने आप को 30 मार्क खास समझने लगते थे, हम ये समझते थे कि डॉक्टर तो बन गए, और ऊपर से आजू बाजू वाले लोग जहां पेपर में नाम देखा कि भाई लड़का पीएमपी पास हो गया है, डॉक्टर साहब कहकर बुलाना चालू कर देता था। और सच बता रहा हूं मित्रों, इतनी गुदगुदी होती थी एकदम, लगता था बन गए। लेकिन होता क्या था कि जब फर्स्ट ईयर में वो कॉलेज के अंदर, वो तो क्या एक डेढ़ महीने का टाइम रहता था, इतना गुलाबी निकलता था मत पूछो, वो जो स्कूल के टाइम पे क्रश हुआ करती थी ना, उसके घर के बीच चारों तरफ चार पांच राउंड लगाए जाते थे तो उसको भी पता चलना चाहिए बंदा क्या है। हम लोग उन बदकिस्मत लोगों में से आते हैं जिनके समय में मोबाइल नहीं हुआ करते, तो भैया संदेशा पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी समस्या हो जाएगा, इसलिए घरों के चक्कर काटने पड़ते थे। अब ये सब गुलाबी माहौल से निकलकर जब हम मेडिकल कॉलेज के फर्स्ट ईयर के प्रथम दिन में जाने की कोशिश करते थे तो डरावनी बातें चालू हो जाती, और फिर अब क्या की, जैसे मैं सतना को बिलोंग करता था, सतना एक शहर है मध्य प्रदेश का, तो अब हमारे यहां के भी कुछ सीनियर वहां होते थे तो धीमे धीमे उनसे संपर्क में आते थे, तब पता चलता था कि बेटा क्या होता है। फिर वहां के सब नियम कायदे कानून पता किए जाते थे। अब नियम कायदे कानून में ऐसा होता था कि देखो ये बंदा गुलाबी रंग की शर्ट पहन के बैठा है, मैडम आप ग्रीन कलर की वो पट्टेदार वो टॉप पहन के आए हो, हमारे यहां ऐसा नहीं होता था, हमारे यहां सफेद शर्ट, सफेद पैंट, काले रंग की बेल्ट, काले रंग के मोजे और काले रंग के जूते, क्लीन से होना चाहिए, एक बाल नहीं दिखना चाहिए, सिर पे तेल लगे होने चाहिए, बाल चिपके होने चाहिए, और जब आप कॉलेज के कैंपस में एंट्री करते हो तो आपकी आंख ऊपर नहीं उठनी चाहिए, आपकी आंख जमीन पे मंडी होनी चाहिए, और आपको यूं चलना है। यूं चलने के बाद आपको सामने से यदि दो पैर दिखते हैं तो आपको बोलना है साहेब जी सलाम, फिर वो चपरासी हो, वो वार्ड बॉय हो, वो आया बीन हो, कोई भी हो, सबको साहेब जी सलाम बोलना ही। साहब
हमारे सीनियर्स तो छोड़ लो, उस समय के उस जमाने के हमारे लेक्चरर्स, हमारे प्रोफेसर्स, हमारे वार्ड बॉय, हमारी आया दिन सब तो ठीक है, कॉलेज का भंगी भी हमारे मजे लेता था। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम भी मजे देते थे, क्योंकि भाई हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था, या तो आओ या तो जाओ। लेकिन जब से ये परिकल्पना चालू हुई, जिसका लीड लिया नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन में, कि कई बार क्या होता है ये मजे के चक्कर में गंभीरता की पराकाष्ठा को पार कर जाता है और कुछ ऐसे गंभीर हादसे हुए जिसके बारे में कभी भी किसी ने सपनों में नहीं सोचा। और फिर एनएमओ के माध्यम से इसके लिए जब रिप्रेजेंटेशन आगे गया, तब जाकर एंटी रैगिंग ये सब जितने भी कायदे कानून आए, मैं फख्र के साथ कहता हूं कि एनएमओ एक उसकी सीढ़ी थी और उसी के माध्यम से यह सब कुछ हो पाया कि आज आप उन्मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं। रैगिंग न होने के कारण क्या खोया आप लोगों ने, उसकी चर्चा मैं नहीं करता, लेकिन आप जो उन्मुक्त वातावरण में सांस ले रहे हैं, इसका जवाबदार यदि कोई है तो मैं मूंछ मरोड़ के कहता हूं कि नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा मित्रों, अब आप लोगों ने एमबीबीएस में दाखिला ले लिया, सेकेंड ईयर, मतलब सेकेंड ईयर यानी फर्स्ट ईयर आपका खत्म होने आया है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं, इसलिए आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, ठीक है। अब यहां पर जितने लोग आए, जैसा सर ने बोला कि कुछ ने तो सोचा होगा, अभी मैं पूछूं खड़ा करके, सर मैं तो इसलिए मेडिकल में आया हूं ताकि मैं अपने कारनामों से देश की सेवा कर सकूं। दूसरे साहब से पूछो, दूसरा साहब ये कहेगा अरे बीमारियां इतनी बढ़ती जा रही है कि लोगों का दुख नहीं सहन हो रहा है, मैं चाहता हूं कि बड़ा होकर कोई रिसर्चर बनूं और कैंसर के अगेंस्ट दवा ढूंढूं। कोई हिम्मती मर्द होगा तो वो धीमे से बोलेगा सर पेट भी जरूरी है, मैं तो कुछ कमाने भी आ रहा हूं। हालांकि हमने सफलता का मकसद यही होता है, पर कोई गलत बात नहीं, क्योंकि इस कोर्स का नाम है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। आपकी जो एग्जाम है ना, एक जमाने में कही जाती थी व्यवसायिक पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा। जब खुद व्यवसाय करकर हमारे सिर पे थोपी गई है तो व्यवसाय स्वीकारने में झिझक कैसी। और बेटा जब तुम आ ही गए हो अंदर, तो बाहर तभी निकल पाओगे जब डॉक्टर बन जाओगे। अब ये 5 साल में करते हो या 8 साल में करते हो, ये बात अलग है, लेकिन बनोगे तो एमबीबीएस की डिग्री का थप्पा लेकर, उसके बिना बाहर निकासी नहीं। और यदि निकासी करनी है तो हार स्वीकारना, और जो हम स्वीकारते नहीं। मित्रों जमाना खराब है, आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, चीजें बहुत सारी बदल गई है, वैसी नहीं रही जैसे पहले रहा करती थी, लेकिन फिर भी कम से कम इस प्रोफेशन में इतनी इज्जत तो है कि लोग तुम्हारे सामने आकर तुमको सलाम ठोकेंगे, तुमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पीछे कुछ भी कहते हो। और एक यही व्यवसाय ऐसा है जो नजर के सामने शर्म को अभी भी बरकरार करे रखे हुए है और आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है यारो, दिशाओं को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी पेट की आग को नहीं बुझाना, लेकिन इतना जरूर ख्याल रखना कि सदूर गांव में बैठा हुआ वह व्यक्ति जो अभी तक सुविधाओं से वंचित है, वो भी शायद हमारी राह देख रहा होगा। और सच में लोग कुछ भी कह ले, क्योंकि आज की तारीख में मैं ओपनी देखूं, साहब देखे या साहब देखे, दिन में 10 मरीज तो ऐसे निकल आते हैं कि हमें इच्छा ही नहीं होती कि उनसे फीस के पैसे मांगे। और 2 मरीज ऐसे निकल आते हैं जब खुद इच्छा होती है कि बेटा इसको पैसे दे दो दवाई लेने के, क्योंकि हमें खुद मालूम है कि ये बंदा अपने पैसे से दवाई नहीं ले पाएगा। इसलिए आप चाहे या ना चाहे, यह व्यवसाय इतना परोपकारी है
कि सेवा के रास्ते खुद आपके लिए खोल देता है। और बेटा जब आप हमारी उम्र में आओगे तब आपको समझ में आएगा कि कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने के बाद, आईसीयू में अंदर जाने के बाद, वेंटिलेटर पर जाते जाते रह जाने के बाद, यदि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो शायद ऐसे ही किसी मरीज की दुआ रही होगी। आपको लगता है कि ये बातें किताबों में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप खुद इस चीज का अनुभव करेंगे तब शायद मेरी बात को समझ पाएंगे। एक बात और बता दूं, हमारा जमाना था और आपका जमाना है, पीढ़ियों का डिफरेंस है, पूरी एक पीढ़ी निकल गई। मैं तो अभी भी जवान हूँ, एक्चुअली आप ही की पीढ़ी का हूँ, लेकिन बोलना पड़ता है इसलिए बोल रहा हूँ। अब मेरे पिताजी उस समय में, उनको बेचारे को इतना ही मालूम था कि बच्चे ने साइंस लिया तो डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा, फिर बायोलॉजी लिया तो उनको ऐसा आभास होता था कि शायद लड़का डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहा है। और मेरे पिताजी तो बनिया, और बनिया आदमी कभी नहीं चाहता कि बच्चा उसके धंधे में न जुड़े, नहीं तो वो पीढ़ी कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन उन सब चीजों के बावजूद भी हम पढ़ते अकेले थे, हम रोते अकेले थे, हम गाते अकेले थे। और आज जब मेरा ही बच्चा नीट की तैयारी कर रहा था तो उसकी माँ उसके साथ बाजू में बैठकर पूरी रात जगती थी कि कहीं बच्चा ना सो जाए। उसका छोटा भाई रात को उठकर 1 बजे उसको चाय पिलाता था कि कहीं भैया को नींद ना आ जाए। और मैं बेचारा पूरा हॉस्पिटल में बैठे बैठे यही सोचता रहता था कि कार्तिक ढंग से पढ़ तो रहा होगा ना। अब स्थिति यह आ गई है कि नीट एक व्यक्ति नहीं देता, नीट पूरा परिवार देता है। और यही चीज है जो आप लोगों ने कहा है। इसलिए मित्रों मेरा आपसे ये कहना है, आप लोगों को मालूम है कि आप जिस स्ट्रीम में हैं, पूरे विश्व में यह साबित हो चुका है कि यदि विश्व में कोई सबसे कठिन कोर्स है तो वो है फाइनल ईयर ऑफ द MBBS। और यदि विश्व की कोई सबसे कठिन परीक्षा है तो वह है फाइनल ईयर MBBS की परीक्षा। और जब हम ये परीक्षाओं से गुजरते हैं, अभी क्या है तुम लोग का तो बड़ा आसान है, सच्ची बताओ इतनी जलन होती है ना, इतनी जलन होती है मैं कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आपके सीनियर्स एक फोटो स्टेट की हुई बुक देते हैं। अब साहब सर आप लोग को पता है कि नहीं पता, मुझे नहीं मालूम, मैंने अपने बच्चे की देखी इसलिए पता है। पहले 40 क्वेश्चन कर लो पास हो जाने की गारंटी है, दूसरे 40 और, मतलब 3 स्टेप में क्वेश्चन होते हैं उसमें, पहले 40 बाद के 40 और उसके बाद के 40, पहला 40 50%, दूसरा 40 60% के ऊपर आई जाएंगे, और यदि तीसरे 40 कर लिए यानी टोटल 120 क्वेश्चन, तो पास होने की गारंटी तो छोड़ो, टॉप 50 में आने के चांसेस रहते हैं। और हमारे टाइम में बीडी चौरसिया आती थी, प्रोफेसर को बोलो कि बीडी चौरसिया से पढ़ के आए तो फीमर उठा के मारते थे, क्योंकि बीडी चौरसिया नहीं पढ़ने का, क्रेज एनाटॉमी पढ़ना चाहिए, उससे नीचे बात नहीं चलती थी। फिजियोलॉजी में भी बोल दिया चटर्जी पढ़ा, फिर ठुकाई हो गई। आपको पढ़ने का गैनन या पढ़ने का गाइटन, हिंदी मीडियम का छात्र बिचारा ना गैनन समझ में आए ना गाइटन समझ में आए, चटर्जी घर जैसा लगता था इसलिए पढ़ लिया होता है। अब एग्जाम के पहले होती प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम, और प्रीलिम में यदि कुछ परसेंटेज से ऊपर आए तो फाइनल एग्जाम में बैठने की पात्रता मिलती है। और सबसे गलत, मैं सही बता रहा हूं, फाइनल में भी मुझे डर नहीं लगा जितना प्रीलिम में डर लगता था, क्योंकि प्रीलिम में जो टीचर्स होते थे वो हमको पकाने के लिए बैठे होते थे, क्योंकि फाइनल में तो एक्सटर्नल आते हैं, एक्सटर्नल के सामने बच्चा अच्छा परफॉर्म करे उसमें इंटरनल की इज्जत बढ़ती है। और हमारे टाइम तो प्रोफेसर बड़े इज्जत से, बड़े प्यार से, और जितना कहो उतना पढ़ाते थे, एक्स्ट्रा क्लास भी देते थे, और हर महीने यूनिट टेस्ट होता था जैसे हम स्कूल में देते थे, क्वार्टर मतलब वो चैप्टर फिनिश होने वाला बाद वाला भी टेस्ट हुआ करता था। और असेसमेंट इतना तगड़ा होता था कि उनको पहले ही पता होता था ये चेतन वोरा कथा है, इसको देख लेंगे। तो ऐसे लड़कों की एक लिस्ट तैयार रहती थी,
कि भाई पीछे वाले कौन है, और पीछे वालों की इतनी परेड होती थी प्रीलिम एग्जामिनेशन में, मैं आपको बता नहीं सकता, और मात्र इसलिए होती थी ताकि फाइनल के लिए तैयार किया जा सके। तो कई बार ऐसे मौके आते थे कि हम बहुत हताश, बहुत निराश, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाया करते। तो अब ऐसे नाजुक क्षण में यदि रूम पार्टनर अच्छा रहा तो हम समझ जाते थे, वरन वो हादसे जो कोटा में हुआ करते थे वो हादसे कभी कभी हमारे यहां भी हो जाया करते थे। और जब वो हादसों से दो चार होते थे तो उसके बाद जो पेरेंट्स की हालत हमने देखी है, मैं हाले गया नहीं बता सकता मित्रों। बहुत अच्छा है कि समय में परिवर्तन हुआ है, लेकिन एक बात कहूंगा कि कभी भी नाजुक वक्त आए, दिल में कोई गलत ख्याल आए, तो बेटा एनएमओ ने आपको बहुत सारी टीचर्स प्रदान की हैं जो एनएमओ के मेंबर्स हैं और वो आपके मेंटर का काम करते हैं। कभी भी किसी बात को सीने से लगाकर मत बैठ जाना, चाहे वो तुम्हारी खुद की प्राइवेट जिंदगी की बात ना हो। कई बार ऐसा भी होता है ना बेटा, किसी को चाहा, किसी ने मना किया, दिल बेचारा उदास हुआ, क्या मत ऐसे समय में भी, या फिर ऐसा समय आ जाए कि सोचा करता कि टॉप कर लेंगे लेकिन मार्क्स आए 25%, अब इतनी सारी मेहनत की ये हालत हो गई, दिल उदास हो जाता है। और आप लोगों की टॉलरेंस पावर तो हमसे बहुत कम है मित्रों। तो ऐसे समय में जो एनएमओ के मंटर हैं, जाके उनसे गुफ्तगू कर लेना, उनके पैर पकड़ लेना, वो ऐसी सूरज की तरह रोशनी दिखाएंगे कि आगे की जिंदगी आसान हो जाएगी। और मित्रों जब भी ये बात आती है कि हिम्मत नहीं आनी चाहिए, मुझे एक नाम याद आता है, वो है श्रीमती लक्ष्मीबेन काले। लक्ष्मीबेन काला करके महाराष्ट्र के बारामती जिले की एक निवासी थी जिसकी उम्र थी 68 ईयर। ये पति और पत्नी दोनों दिहाड़ी मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर यानी डेली वेजेस काम करने वाले लेबरर्स, और प्यार से दिहाड़ी में इतना कमा लेते थे कि उनकी चैन बसर बड़ी आसानी से हो जाए। अब होता यह है कि उनकी जिंदगी में तीन लड़कियां थी। अब उन्होंने जो पैसे जमा पूंजी में रखे थे उन पैसों से उनने अपनी तीनों बच्चियों का अच्छा सा विवाह कर दिया। और भारतीय पुरुष के लिए तो बच्ची का कन्यादान करना यानी मोक्ष को प्राप्त करना। तो अब 67 ईयर्स तक पहुंच गए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, सुखी जैन से जिंदगी बता रहे हैं। एक दिन हुआ ये कि लक्ष्मी देवी के पति को रात में सीने में दर्द उठा। अब जब रात को सीने में दर्द उठा तो जो गांव में प्राथमिक चिकित्सा केंद्र PHC वहां पर लेके गए, डॉक्टर ने सब कुछ देखा और अपने अनुभव के आधार पर कहा कि इसमें मेरा काम नहीं है, इनको आगे CSC कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या टर्शरी केयर सेंटर में लेकर जाना पड़ेगा। अब ये जो लक्ष्मी जी थी उनको काटो तो खून नहीं, क्योंकि वो बिचारी, ये लक्ष्मी नहीं है लता है, लता भगवान काले। अब ये लता जी को काटो तो खून नहीं, करे तो करे क्या, कभी गांव से बाहर निकली नहीं, डॉक्टर बोल रहा है टर्शरी केयर सेंटर जाना पड़ेगा। घर गई, आस पड़ोस वालों से बात की, किसी से 5 रुपए, किसी से 10 रुपए, किसी से 100 रुपए, किसी से 200 रुपए इकट्ठे करके कुछ 1.5-2 हजार की पूंजी जमा की। और दूसरे दिन सुबह निकल गए बारामती जिले में टर्शरी केयर सेंटर, जाकर बाहर बैठ गए। बड़ा बड़ा हॉस्पिटल देखकर थोड़ा सा डर लगा, थोड़ा सा अच्छा लगा कि अच्छी जगह आ गए हैं, साहब ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर गए आए, भगवान जी को अंदर ले गए, और उसके 1 घंटे के बाद जब डॉक्टर साहब बाहर आते हैं तो वो लता जी बड़ी खुश हो जाती है, उनको ऐसा लगता है कि साक्षात देवदूत बाहर आया, अभी आएगा, मुझे अच्छी सी खबर सुनाएगा, तुम्हारे पति देव को कुछ नहीं है, दवाई लिख देता हूं, उसको लेके जाओ ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्हीं को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टर साहब आते हैं, लता जी को बुलाते हैं और लता जी को समझाते हैं कि भाई हमने इसके कुछ टेस्ट किए, उसमें से एक स्ट्रेस टेस्ट था, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, ECG की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, ऐसा लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है, इनकी कोरोनरी आर्टरी में कम खून पहुंच रहा है, ब्लॉक्स होने की संभावना है, और भविष्य में या तो एंजियोप्लास्टी और या तो बाईपास ऑपरेशन करना पड़ेगा। और उस समय
ये प्रधानमंत्री जनधन योजना, माँ कार्ड, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं थी। तो अब इसका खर्चा लगभग 1.5-2.5 लाख रुपए आ सकता है। अब तो जब तक ये बात डॉक्टर कर रहा था तब तक भगवान जी भी बाहर आ गए, उनने भी सुन लिया। उसने देखी पत्नी की हालत तो और खराब हो गई, तो वो पत्नी के पास जाता है, उसके कंधे में हाथ रखता है, उसको समझाता है कि चिंता मत करो, जितने दिन बचे खुचे हैं वो दिन साथ में जिएंगे, साथ में रहेंगे, बहुत ऐश करेंगे, मेरी तबीयत को कुछ नहीं हुआ, डॉक्टर तो कुछ भी बोलता है। दोनों वहां से निकले, बीबी को मंजूर बिल्कुल नहीं था लता जी को, लेकिन वो भी करती क्या, किस्मत के हाथों वो भी मजबूर थी। अब वो लोग बाहर निकलते हैं, बाहर समोसे की एक रेहड़ी लगी होती है, उस रेहड़ी में दोपहर का टाइम पेट भरने के लिए 2 समोसे लेती है, वो उसको एक अखबार में लपेट कर 2 समोसे देता है। जैसे ही लता के हाथ में वो समोसा आता है, एक समोसा उठाकर अपने पति देव श्रीमान भगवान जी को देती है कि तुम खाओ, और जैसे ही दूसरा समोसा उठाती है पेपर पर नीचे नजर जाता है कि मैराथन दौड़ का आयोजन और पुरस्कार राशि 3 लाख रुपए। अब जब उसने यह समाचार पत्र देखा, समोसे को दूसरे को भी भगवान जी को अर्पित कर दिया और आराम से बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ने लगी। लिखा यही था जो मैंने बोला कि 3 लाख रुपए वह जीतेगा जो इस मैराथन को जीतेगा। हम हिंदुस्तानी दीवा स्वप्न देखने में माहिर, उसने भी सपने देखे। मैं जा रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, मैं जीत रही हूं। मैं जा रही हूं, मैं दौड़ रही हूं, मैं जीत रही हूं। और इसी उदयपुर में वो अपने पतिदेव को नहीं बताती, वो पतिदेव को बोलती आज और रुकना है, कल चूड़िया उड़िया लेंगे फिर वापस जाएंगे। पतिदेव ने भी सोचा कि अब अंतिम समय है, इसकी इच्छा पूरी कर देता हूं। धर्मशाला में रुक गए। सुबह सुबह उठी लता जी, पहले ग्राउंड वाउंड में जाई थोड़ा सा, एक्चुअली दिहाड़ी मजदूर थी, मजदूर का वैसे भी काम बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा वजन उठाना, भाग दौड़ करना और फिर भी नौ थिकना उनका गुण धर्म होता है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो उसने ठान लिया कुछ भी हो मेरे को दौड़ना है, और वो उस जगह पर पहुंच गई जहां पर दौड़ का आयोजन होने वाला है। अब आप सोच लीजिए, दौड़ एक बहुत बड़ी दौड़ का आयोजन होने वाला है, पूरे संभाग से यानी रीजन लेवल से लोग आए हुए हैं, किसी ने फर्स्ट क्लास नाइक के जूते पहने हुए स्पोर्ट्स शू, कोई एडिडास में है, कोई सारा वो क्या बोलते हैं वो ट्रैक सूट पहने हुए, सब चमचमाते दमदमाते हुए लोग इधर से उधर घूम रहे हैं। और एक ये हमारी मैली कुचली छाप साड़ी, पैर में चप्पल का नामो निशान नहीं, थोड़ी सी यूं झुकती हुई चलती हुई आयोजकों के पास पहुंचती और आयोजकों को बोलती मेरा नाम लिख लो, मेरे को मैराथन दौड़ना है। आयोजक ने उसको 2 बार ऊपर से नीचे निहारा, निहारने के बाद बोला तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। उनको ये चिंता होने लगी, 65 साल 68 साल 68 years थी उसकी एज, ये बंदी यदि दौड़ेगी और दौड़ते दौड़ते कुछ अटैक फटैक आ गया तो ये जो प्रेस मीडिया है और ये जो टीवी मीडिया और सोशल मीडिया में हमको ही फांसी चढ़ा दे। जब उसको ना किया गया तो उसके तो दिवा स्वप्न चकना चूर हो गए, वो गिर गई, पैरों में पड़ गई, गिड़गिड़ाने लगी कि भाई कुछ भी करो मेरा ये सपना है, मेरे को इस दौड़ में दौड़ना है। वहां पर जितने लोग इकट्ठे थे, हजारों की भीड़ थी, वो सब के पास एक एक के पास जाने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि किसी भी तरह मेरे को एंट्री दिला दो, मुझे कुछ नहीं हुआ और होगा तो उसके लिए मैं जिम्मेदार होंगी, आप जहां कहो वहां मैं साइन करने को तैयार। जब लोगों ने देखा ये इतना रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, इसे एक मौका देना वाजिबी है, और तब तक तो उद्घाटन करने के लिए विधायक महोदय एमएलए साहब पधार गए, और इसको तो क्या किसी तरह की कोई आशा ही नहीं थी, इसके लिए जीना मरना सब कुछ ये था। तो ये तो महोदय हो, उनके विधायक जी के पास भी पहुंच गए, उनके चेहरे में भी पैरों में गिर गए, इधर उधर लिपटने लगी। तब सबने मिलकर एक राय की कि इसको इसके खतरे को बताते हुए, इससे साइन करवाते हुए इसको दौड़ने की अनुमति देते हैं। फिर क्या था मित्रों, एक लाइन लग गई, एक तरफ चमचमाते हुए एडिडास नाइक ट्रैक सूट है, दूसरी तरफ भी वो एनर्जी जूस रेडबुल, क्या रेडबुल चलता है ना आजकल,
वो सब दुनिया भर की कतारें लगी हुई, और साथ में ये भी आई, साड़ी का पल्लू नीचे से ऊपर उताया, खोसा, वो मराठी स्टाइल हो जाता ना, एक पैर इधर और एक पैर इधर, बिल्कुल उस पोजीशन में आने के बाद हमारी लता भी तैयार खड़ी। और जहां जहां झंडी दिखाई गई और सीटी बजाई गई, लता भाग पड़ी इस तरह से, ना दिन देखा रात, ना हार्ट रेट काउंट की, ना ब्रेथलेस हो रही है या नहीं हो रही, उसकी तरफ ध्यान दी। उसका मात्र एक सपना था कि कुछ भी करो, कैसे भी करो, ये दौड़ जीतना है और पति देव की जिंदगी को बचाना है। मित्रों, यह कहानी मात्र कहानी नहीं है, आप लोगों को बहलाने के लिए नहीं कह रहा हूं। आजकल तो गूगल आप लोगों की पॉकेट में है, खोल के देख लेना। लता, भगवान करे ये 68 साल की महिला ने उस दिन यह मैराथन जीती है, 3 लाख रुपए की राशि अपने कब्जे में की है और अपने पति को लेकर वापिस उस हॉस्पिटल में गई है, पति का इलाज कराया है और इलाज करके हंसते हुए वापिस अपने घर को आई है। तो मित्रों, उसके पास भी मौका था हिम्मत हार जाने का, उसके पास भी मौका था कि उसका पति चल बसे उससे पहले खुद मर जाने का, और उसके पास भी मौका था कि आंसुओं से अपनी साड़ी को गीला कर देने का, लेकिन कुछ नहीं करने का। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसने कोशिश की, कोशिश बार कोशिश की और अंत में विजय प्राप्त की। तो मित्रों, मैं आप लोगों को यही कहना चाहता हूं कि कभी भी हिम्मत मत हार। यदि किसी क्लास में बैक आ जाए तो कोई खराब चीज नहीं होती साहब, बल्कि जो जितना बैठ जाता है आगे चलकर वो उतना ही उछलता है। और जरा पुराने दिनों को या तपास कर लेना लोगों की, हमारे क्लास के अंदर जितने टॉपर्स थे वो प्रोफेसर और साइंटिस्ट बने बैठे हैं, और जितने बैक बंचर्स थे नोट छाप रहे हैं साहब। और नोट छापना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, और नोट छापना बिल्कुल बुरी बात नहीं है, क्योंकि हम उस समाज में रहे हैं जहां आपकी गणना आपके पास कितनी समृद्धि है उससे ही की जाती है। और मित्रों, आप समाज सेवा तभी करोगे ना जब जेब में पैसे होंगे, ठन गोपाल कुछ नहीं करता। इसलिए कोई गलत नहीं है यदि आप सही मार्ग से, सही माध्यम से पैसे कमाते हैं। बस मित्रों, मेरे ख्याल से समय इजाजत नहीं देता, बस एक बात कह दूं मित्रों, एक बात कह दूं जो मुझे बहुत खलती है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे, एक लड़का मेरा MBBS कर चुका है, दूसरा MBBS का फाइनल है, मेरे को एक बात बहुत बुरी लगती है। मैं अपने बच्चों से कई बार शेयर किया, आज आप लोगों को अपने बच्चे समझ कर शेयर कर रहा हूं, हालांकि आप लोग की जितना है बिल्कुल बड़ा नहीं है, कि बेटा ऐसा होता है कि आज की तारीख में जैसे आप सेकंड ईयर क्लास करते हो, आप सबको नीट पीजी याद आने लगती है, और नीट पीजी के लिए तो अच्छे सौभाग्यशाली हो, यहां डैम्स नहीं चलता, नहीं तो लोग शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन डैम्स जाते हैं, बाकी स्कूल कॉलेज को ही नहीं जाता। और जहां तक मुझे मालूम है, हमारे जमाने में थर्ड ईयर से क्लिनिकल पोस्टिंग चालू होती थी, और हमारा शेड्यूल कैसा होता था मैं आपको बताऊं, सुबह 8 से 10 बजे तक थियरी क्लासेस, 10 से लेकर 12 बजे तक क्लिनिकल पोस्टिंग, 12 से 1 बजे तक फिर थ्योरी क्लास, 1 से 2 लंच आवर्स, 2 से 4 प्रैक्टिकल एंड थ्योरी क्लासेस, 4 से 6 विश्राम यानी कि रेस्ट, और 6 से 8 इवनिंग क्लिनिक्स। इवनिंग क्लिनिक्स यूजुअली हमारे यहाँ रेसिडेंट्स लिया करते थे, और मॉर्निंग क्लिनिक्स जितने भी प्रोफेसर्स और टीचर्स होते हैं वो लिया करते थे। अच्छा, शाम को जब रेसिडेंट्स लिया करते थे तो रेसिडेंट्स को जरा मजा आ जाती थी, तो 8 के 9 हो जाते थे, 9 बजे हॉस्टल पहुंचते थे, हॉस्टल पहुंचने के बाद 1 घंटा खाना पीना खाते थे, और 10 बजे के बाद किताबें खोल के बैठ जाया करते थे, तब रात को 2 बजे 3 बजे हम सोते थे। ये हमारी रूटीन हुआ करता था फ्रॉम थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। थर्ड ईयर थोड़ा सा लूज ईयर होता था, और उस समय में थर्ड ईयर वाले कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, उस बहाने बहुत सारी छुट्टी ले लिया करते थे, वो 2 महीने की ऐश होती थी, और 2 महीने खूब ऐश करते थे। मेडिकल प्रोफेशन में या मेडिकल कैरिकुलम में वो 2 महीने ही इंपॉर्टेंट होते थे जब हमें जलसे करने होते थे, क्योंकि प्रोफेसर भी कुछ नहीं बोलते, सर जाना है फाइन आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी चल रही है, सब भी बोलते थे बेटा जाओ ऐश करो, तो उस समय 2 महीने बहुत ऐश करते थे।
लेकिन सच बता रहा हूं, उन क्लिनिकल पोस्टिंग्स में जो हमने सीखा वो आज की तारीख में मुझे काम आता है। मैं हूं तो सर्जन, काम है सर्जरी करने का, रहता हूं छोटे से शहर में। एक समय ऐसा होता था जब सर्जन सबसे बड़ा डॉक्टर, यानी फिजिशियन कोई मेडिकल का केस, मेडिसिन का केस उससे ठीक नहीं हुआ तो पेशेंट ये सोचता था कि वड्डो सर्जन आए ठीक करी दे। ऐसे दिन हमने गुजारे हैं और हरिशन पढ़ पढ़ के हमने मरीजों का इलाज किया है, लेकिन थैंक्स टू द क्लिनिकल टीचिंग विच वी हैड। और जब मैं आज के तारीख में प्रोफेसर से चर्चा करता हूं तो पता चलता है कि आप लोगों का इंटरेस्ट वहां से हट गया है, क्योंकि जिंदगी का ध्येय नीट पीजी हो गया है। नीट पीजी ने शायद बहुत कुछ बिगाड़ा है, उसमें से एक ये भी बिगाड़ा है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि जब भी मौका मिले कुछ सीखने का अवश्य सीखना, क्योंकि क्लिनिकल पोस्टिंग में जो आप सीखेंगे वो कहीं और नहीं सीख पाएंगे। बस मित्रों, आपसे विदा लेता हूं। अंत में इतना कहता हूं कि जो शब्द आपके चेहरे से निकले, आपके मुंह से निकले, उसको निकालने के पहले अवश्य सोचिएगा, खासकर उस समय जब आप किसी दूसरे से बात कर रहे हो, अपने मरीज से बात कर रहे हो। क्योंकि यदि आपके शब्द वो चीज है जो एक बार मुंह से निकल तो जाते हैं लेकिन सामने वाले पर आपका प्रतिबिंब छोड़ जाते हैं। इसलिए हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, हर रिश्ते में विश्वास रहने दो, जुबान पर हर वक्त मिठास रहने दो। यही तो अंदाज है जिंदगी जीने का, न खुद रहो उदास न दूसरों को रहने दो, न खुद रहो उदास। इतना सब कुछ कहकर करता हूं वक्तव्य समाप्त। जय वंदे मातरम, गाता हूं यही गान, कलाविद हूं न कविता का, विचारों का प्रचारक हूं, क्रिया जो हो रही भीतर उसी का एक कारक हूं, अकेले गर्व करने का यही बस एक कारण है, जहां उगता सदा चंदा वहां का एक तारक हूं, जहां उगता सदा चंदा वहां का एक तारक। धन्यवाद, जय हिंद।